अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे केमिस्ट्री के स्कोप के बारे में। केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की ही एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में। तो वो तो एक अलग मामला है। आज हम बेसिकली देखेंगे, अगर हमने केमिस्ट्री को एज अ मेजर सब्जेक्ट चूज़ किया है बैचलर्स में या मास्टर्स में, और उसको हमने कंटिन्यू किया है एमफिल में, तो हम किस किस जगह पे जा सकते हैं। बेसिकली अगर हम इंडस्ट्री वगैरह में जाना चाहते हैं तो हमें मास्टर्स काफ़ी है। मतलब अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री या तो फिर बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है तो आपके पास क्या क्या चॉइसेस हो सकते हैं, एक तो हम ये देखेंगे। उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री वगैरह में जाना चाहते हैं तो आपके लिए इतनी क्वालिफ़िकेशन मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रिसर्च में जाएं, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है मैटर की अंडरस्टैंडिंग में, आपको बहुत चीज़ें समझ आती हैं और आप चीज़ों को मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आप एमफिल और पीएचडी की तरफ कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ आपको एक बहुत अच्छी सैलरी की जॉब जो है वो आपको एमएससी केमिस्ट्री या बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री के बाद मिल जाएगी। आप देखते हैं हमें ये दो डिग्री हासिल करने के बाद हम कहाँ कहाँ, इनमें से कोई एक डिग्री हासिल करने के बाद हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले हम फूड इंडस्ट्रीज, इनमें अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, क्योंकि वहाँ पर फूड जब बन जाती है या बन रही होती है तो एक केमिस्ट चाहिए होता है हमें, कि जो फूड को एनालाइज कर सके कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे। दूसरा, हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट, पेंट, इन इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। इनमें हमारा काम क्या होगा, सीमेंट हम देखेंगे कि ये जो सीमेंट बना है इसकी सेटिंग टाइम कितना है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये केमिस्ट जिसको केमिस्ट्री का नॉलेज होगा वो आम लोगों को गाइड कर सकेगा कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या क्या प्रोसेस हम करें तो उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ इन्हांस होंगी। इसी तरह से पेंट इंडस्ट्री है, पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ हैं। इन शॉर्ट अगर इंडस्ट्री की बात करें तो मेरा ख्याल है कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर केमिस्ट की ज़रूरत ना हो, ठीक है। और उसके अलावा जो फील्ड है हमारे पास टीचिंग की, उसमें तो डेफिनेटली जा ही सकते हैं, उसमें तो डाउट ही कोई नहीं है। और हॉस्पिटल्स, केमिस्ट्री का बंदा जो है वो मेरा ख्याल है किसी भी जगह पर एडजस्ट